लाला ने ये गिफ्ट दिया है, लाला ये एक दिया, आपने ये भी दे ही दें, ये भी। वाह जी वाह, तो मुझे लग गई है कि हम क्रिकेट के बादशाह के पास आए। लाला ये पी लूं आपकी चाय? पता नहीं, ये है लाला। Boom Boom Nidhi is back with the reaction video of Boom Boom Lala. Yes, I'm talking about Shahid Afridi. आज बेहद खुश हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मेरे परिजन मुझे Boom Boom Nidhi बुलाते हैं यार। वैसे लगता तो बड़ा फैसिनेटिंग सा, अच्छा लगता है मेरे को। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से। और आज तो भाई साहब दिल की बातें शेयर करी हैं शाहिद अफरीदी साहब ने। देखिए क्रिकेट के बारे में तो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वो इस तरीके के एक खिलाड़ी हैं जो पूरी दुनिया भर में छा रखे हैं, पर जब जज्बाती हो जाता है एक खिलाड़ी तो क्या उसके दिल में से निकलती होगी, क्योंकि बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है एक प्लेयर का। वीडियो का टाइटल है कि कभी बेटे की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई क्या। शाहिद अफरीदी साहब इज लकीली ब्लेस्ड विद 5 daughters, 5 बेटियां हैं उनकी, जो कि अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग बात है। 5 बच्चियों को इतने अच्छी परवरिश देना, उन्हें पालना, बाकी सारे जितने भी फादर्स हैं जिनकी डॉटर्स हैं उनके लिए ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी साबित हो जाती है। कभी कभी ऐसा चेहरे पे नूर खिलता है जब आप किसी वीडियो को देखने वाले होते हो जिसके लिए आप ऑलरेडी इतने इंटरेस्टेड एंड खुश एंड एक्साइटेड होते हो। और खुश किस्मत हूँ मैं और आप भी कि आज वो खुशी भरा हुआ दिन है। तो एक बार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर ढेर सारी गल्लां बातें प्यार भरी मोहब्बत नुमा हम करेंगे। तो कोशिश करेंगे अपने कल्चर को सबके सामने लेके आए कि हम हैं क्या। मैं बड़ा किस्मत वाला आदमी हूँ कि मेरी 5 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी बेटियों को इतना तगड़ा करें, इतना टैलेंटेड बनाएं कि आपको बेटे की कभी कभी महसूस नहीं हो। क्रिकेट शुरू ही इमरान भाई की वजह से की थी और इमरान भाई हीरो रहे हैं हमेशा मेरे। लाला ने ये गिफ्ट दिया है, लाला ये एक दिया, आपने ये भी दे ही दें, ये भी। वाह जी वाह, तो मुझे लग गई है कि हम क्रिकेट के बादशाह के पास आए हैं। पहले ये पी लूं आपकी चाय? पता नहीं, ये है लाला। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और हमें पता चला है कि शाहिद अफरीदी साहब, द बूम बूम शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान की आन बान शान, जिसने कितने साल हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी और उसके बाद वो इंसानियत के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं यकीनन वो भी खराज तहसीन है। तो यहाँ पे वो क्रिकेट की एक एक्टिविटी के लिए आए थे तो हमें पता चला। अब हमें नहीं पता, हमने उनके बारे में सुना है, बड़े गुस्से वाले हैं और बड़ा टफ मिजाज है उनका। तो कैसे हैं, कमरा नंबर तो मुझे पता चल गया, तो अभी हम चेक करते हैं क्या पता नहीं बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन जो भी हो चलो। अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला लाला आई एम सो सॉरी, आपसे हमने पूछा नहीं, हम आ गए आपका इंटरव्यू करने। मैं बैठ सकता हूँ लाला यहाँ पे? आजो। कैसे हैं आप? माशाल्लाह हर जगह पहुँच जाते हो तुम भी। आई लव यू। ये इतना खूबसूरत नाश्ता लेट उठा हूँ आज बहुत, बस इस्लामाबाद में जो है ना हेल्थ कॉन्शियस बंदे जो है जो लाला को फॉलो करते हैं, लाला आप यही नाश्ता करते हैं? पता नहीं क्या वो सोचते हो कि बादाम और पिस्ते और पता नहीं क्या क्या खाते हो। अच्छा आज थोड़ा सा डिफरेंट, अदरवाइज जो है वो ब्राउन ब्रेड ऑमलेट, अभी भी ब्राउन ब्रेड पड़े हैं लेकिन चेंज करता रहता हूँ। कभी सब्जी का जूस शुरू हो जाता है एंड देन फिर शाम तक वही चलता है, और कभी बारी पराठे इसके सामने देखो गरम गरम पराठे। पराठे खा रहे हैं और पेट है ही नहीं है बिल्कुल। पेट वही चाह रहा हूँ ना कि हो जाए तो इसलिए खा रहा हूँ। अच्छा आपके बारे में मशहूर है कि बड़ा गुस्सा करते हैं, हम भी है, हमने सोचा कहीं एक आदि को पढ़ ना जाए, तो ये गुस्से गुस्से वाली बातें हैं या वैसे फजूल हम तो लाला आपको पता है साफ ही, हम तो कैश पे चलते हैं, जाते हो कुछ दे दीजिए। लाला ने गिफ्ट दिया है और ये गिफ्ट मेरे साथ रहेगा। एक लाला ने चाहे ये कहीं टूट उठ ना जाए, लाला ये एक दिया, आपने ये भी दे ही दें, ये भी सर, ये भी मेरे पास हो गई जी। वाह जी वाह, तो मुझे लग गई हैं, पता चला ना सही कि हम क्रिकेट के बादशाह के पास आए हैं। अच्छा लाला, इफ यू हैव टू डिफाइन योर पर्सनालिटी इन 3 words, लाला वो 3 चीजें कौन सी हैं? अल्लाह खैर, 3 चीजें कौन सी हैं? सादगी पसंद है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा से कह सकते हो कि क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली, बड़ी प्रेशर में क्रिकेट खेली है, तो थोड़ा सा अल्लाह ने दिल बड़ा दिया है, बिल्कुल ठीक है। किसी को माफ करना आता है मुझे,
हाँ ये अब ये हमने देखा है कि आप हमेशा बड़ी वुसत से लाला इतना अरसा आपने क्रिकेट खेली, बच्चों से दूर जाया करते थे आप और फोटेज और ये सारा जिंदगी, और एकदम से आके मतलब आपने जो फाउंडेशन का काम शुरू किया, अब उसमें हमने कोविड में देखा कि आप पाकिस्तान के ऐसे ऐसे इलाकों में गए कि जहाँ पे कोई हुकूमत का बंदा जाने का सोच नहीं सकता है, साफ पानी, बच्चों की तालीम, बच्चियों की तालीम, इतना कुछ अपने आपको लगा नहीं, भाभी साहब ने कहा नहीं कि बस करो भाई बैठ जाओ, इतना अरसा खेला। प्लान यही था कि क्रिकेट के बाद जो है ना घर में बच्चों को टाइम दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के प्लान कुछ और होते हैं, अल्लाह कुछ और चाहता है आपसे। सब कुछ दिया इस मुल्क के लोगों ने मुझे, बहुत प्यार बहुत इज्जत दी है, एक वक्त आ जाता है कि आप लोगों के लिए करना शुरू करते हैं जो कि हमारा दीन सिखाता है, जिस जो मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर हमारी आवाम की जिम्मेदारी है। मैं खुद एक ऐसे एरिया से निकल के शहर में ज़िंदगी गुजारी है कि जिस गाँव में, जिस इलाके में हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से बच्चे दूर दूर तक जाते हैं, तो मैं खुद उस इलाके से हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, पला बड़ा कराची में हूँ, लेकिन तकलीफें उन लोगों की पता है मुझे। सही, तो अभी बलूचिस्तान में भी आपका बहुत अच्छा अभी काम चल रहा है, आपकी टीम वहाँ पे काम कर रही है साफ पानी के लिए, और वो जो हैजे वाला जो इशू हुआ था वहाँ पे, तो आप खुद भी बलूचिस्तान गए, तो आपको लगता नहीं कि कुछ सूबे बहुत पीछे हैं, उनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, परहैप्स दिस इज वन ऑफ द रीजन के आपने बलूचिस्तान चूज किया? मेरे ख्याल में जितने भी हमारे प्रोवेंसेज हैं उसमें स्पेशली जो है ना बलूचिस्तान का सूबा जो है वो ज्यादा मेरे दिल के करीब है, इसलिए कि 5-6 दफा बाय रोड बहुत आगे तक ट्रेवल किया है मैंने, और वहाँ पे वहाँ की डायनामिक्स भी डिफरेंट है अदर प्रोवेंसेस से। अदर प्रोवेंसेस ये है कि एटलीस्ट ठीक है, पानी भी है, सब कुछ है, रोजगार भी है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आई मुझे अनफॉर्चुनेटली, और तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट्स पानी के हवाले से वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी है नहीं वहाँ पे, हमें जब डिगिंग कर रहे हैं पानी के लिए आर ओ प्लांट्स वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी नीचे पत्थर, इतना सख्त किस्म का पत्थर है कि वो तोड़ना, फिर एंड देन 1200-1500 फुट पानी मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है लाला, आपके लिए पूरी कौम जो है वो दुआगो है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। लाला ये पी लूँ आपकी इजाज़त? पता नहीं, ये है लाला, किसी बात से ना नहीं है, ऐसे होते हैं मेहमान नवाज, और ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं, जबरदस्ती मेहमानों के साथ भी लाला ये सलूक करते हैं। अब हम एक दो इंटरेस्टिंग सवाल कर रहे हैं, क्रिकेट आपने इतना अरसा खेला, कोई एक ऐसा क्रिकेट जो आपको लगता हो कि यार ये कोई बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हैं लेकिन आपने कभी कहा ना उसको, आपने सुन के ना स्टोरी आपने कहा अच्छा, लेकिन उस बेचारे को आज तक पता ना लगने दिया। यार ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बात है बड़ी बड़ी कर रहा होता ना वो पता चल जाता है। कोई एक आधा लाला लास्ट नेम बता दे, वो होता है फर्स्ट इनिशियल बता दे। चलो फर्स्ट इनिशियल भी लाला ने जो ना नहीं बताया। अच्छा जी लाला, फन फैक्टर में कभी आपको किसी मूवी में काम करने का मौका मिले, किसी बंदे की बायोपिक, तो आप कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी बायोपिक आप समझते हो कि यार इस बंदे ने बड़ा अजीम काम किया, जो वैसे आपका अदरवाइज हीरो हो? हीरो तो हमेशा है, क्योंकि क्रिकेट शुरू ही इमरान भाई की वजह से की थी और इमरान भाई हीरो रहे हैं हमेशा मेरे। हमसे बड़ी मुश्किल से तो हमसे एक्टिंग होती है कमर्शियल्स वगैरह में, एक्टिंग होती है। ठीक है, ड्रामे हमें देखते हैं पाकिस्तानी? बहुत कम। आखिरी ड्रामा कौन सा देखा आपने? आखिरी ड्रामा कौन सा देखा है नहीं याद आ रहा, नहीं याद है, लेकिन हमारे ड्रामे की जो है ना, हमारे ड्रामे कंपेयर टू अदर कंट्री, अगर हम हमेशा अपना कंपटीशन जो है वो पड़ोसी मुल्क से रखते हैं तो हमारे ड्रामे सबसे टॉप पे हैं। लेकिन लाला कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे ड्रामास में जो वो एक कंटेंट आ रहा है वो बिल्कुल एक ही तरह का कंटेंट आ रहा है और वो थोड़ी सी वो बेरारवी फैला रहा है। हमारी अपने हमारा जो अपना कल्चर है ना वो बहुत रिच है, हमें दूसरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर बहुत कुछ है। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि अपने कल्चर को सबके सामने लेके आए कि हम हैं क्या, जो कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत रिच है, हमें किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपका जो बेटियों से प्यार है, जिस तरीके से आप उन्हें साथ में स्टेडियम मैच भी, फिर आप पूरी दुनिया उनके साथ घूमते हैं, आपकी जो सबसे छोटी वाली गुड़िया है वो तो शी इज वेरी क्यूट माशाल्लाह, सारे बच्चे बड़े प्यारे हैं। तो लाला 5 बच्चियां हमारे मुआशरे में थोड़ा थोड़ा कभी होता है, कभी हम सोचते हैं आप तो रोल मॉडल है और आपकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, तो कभी हुआ नहीं बेटे की ख्वाहिश के अल्लाह दे, या कभी ये सवाल तो बड़ा अजीब था लेकिन वो कहते हैं ना कभी डिसअपॉइंटमेंट या कोई जिस तरह बाकी काफी लोगों में होती है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा एक केस आया कि जिसमें बेटी पैदा हुई तो उस बंदे ने बेटी को ही गोली मार दी, तो ये वाली कोई कभी फीलिंग यार अल्लाह ताला के फैसले हैं। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए थे, तो उस दिन
अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में कोई बेटी पैदा नहीं की थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन के आए थे। तो उस दिन इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बेटियां जब पैदा होती थी तो जिंदा दफना दिया जाता था उनको, तो उस दिन पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने कोई बेटी पैदा नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं बड़ा किस्मत वाला आदमी हूँ कि मेरी 5 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अपनी बेटियों को इतना तगड़ा करें, इतना टैलेंटेड बनाएं कि आपको बेटे की कभी कभी महसूस नहीं हो। मैं पठान हूँ, हमारे पठानों में बहुत ज़्यादा होता है बेटों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने सही सलामत सेहत के साथ मुझे मेरी औलाद दी है। इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है मेरे लिए। क्या बात है, क्या खूबसूरत पैगाम है। एक अपने वालिद मोहतरम की कोई सबसे खूबसूरत बात जो बहुत याद आती हो आपको आज भी? वाले साहब का सबसे जबरदस्त चीज, अगर आप बहुत सारी चीजों में से कोई चीज पूछेंगे तो जाहिर बात है वाले तो उनकी जो कोई एक चीज जो मुझे जिस पे मेरा ये यकीन स्ट्रांग हुआ है वो उनका यकीन ऊपर वाले पे बहुत स्ट्रांग था। तवक्कल, अल्लाह तवक्कल बहुत है। तो वो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह याद आती है, बड़ों से सीखा ही जाता है। और वालदा की कोई खूबसूरत तरीन आदत में से कोई एक आदत? वालदा की जो खूबसूरत आदत थी ना, वो जब फैमिली के बच्चे आते थे तो बच्ची बन जाती थी, जब बड़े आते थे तो बड़ी बन जाती थी। तो ये बड़े कम लोगों के अंदर ये चीज होती है। और मैं समझता हूँ कि मेरे घर से कोई जो मैंने देखा पाकिस्तान खेलने से पहले वालदा की लाइफ को, कोई अगर आता था वालदा को पता चल जाता कि घर के बाहर कोई आया हुआ है, खाली हाथ नहीं जाता था। कुछ ना कुछ वो लाजमी किसी से कह के दिलवा के खाली हाथ नहीं जाता था वो आदमी या औरत जो भी थी। क्या बात, और ये हमने चीज प्रैक्टिकली देखी है कि PSL की पूरी टीम आ रही होती है, लाला के घर में दम्पो रोश पता नहीं क्या क्या बन रहा होता है, और ये खुद सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। लाला आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए आखिर में कोई खूबसूरत पैगाम, आजकल जिस तरह की पॉलिटिक्स नफसा नफसी ये सारा हुआ हुआ है, सारे एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हुए हुए हैं, तो क्या कोई एक ऐसा कुलिया बताएं कि जरा माहौल में थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्या करें ऐसा कोई? खैर जा तो तबाही की तरफ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है, मेरे कहने से कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन अपनी यूथ को लाजमी मैसेज दूंगा कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा एजुकेटेड होना चाहिए इंसान को कि सोशल मीडिया है किस चीज के लिए। इस पर नफरत नहीं फैलाई जाती, प्यार मोहब्बत के साथ भी इंसान काम ले सकता है। लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली लाजमी कहूँगा कि पेरेंट्स, आजकल न्यूज़ आती है बच्चों के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, वो उसके साथ भाग गई, वो वहाँ भाग गई है। अपनी बच्चियों को, बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस, इतनी दोस्ती माँ बाप की होनी चाहिए कि माँ बाप के साथ हर चीज़ बेटा बेटी अपनी शेयर कर सके। अब ये वो दौर नहीं है, टाइम चेंज हुआ है, वक्त बदलते हुए बदल चुका है वक्त। हम जब थे अपने पेरेंट्स के साथ कि हम वाले तो कोई बात करे तो हम आंखें नहीं दिखा सकते थे, हम आंखें झुका लेते थे, वो इज्जत और एहतराम का था। अभी भी है वो चीज़, लेकिन अपने बच्चों को वालदैन जितना हो सके करीब रखे ताकि उनके साथ हर चीज़ शेयर करे, उसे भागने की जरूरत ना पड़े घर से। थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त का। एक बड़ा आदमी जब भी बात करता है तो बड़ी बात करता है, लाला ने कितना खूबसूरत बातें की। और लाला आखिर में जाते, अभी तक वो रिवायत है कि तोहफों के अलावा जो कैश भी आप देते हैं जाते वक्त? सॉरी कैश अब मुझे लग रहा था उसे लेना चाहिए, मैं तुम्हें इंटरव्यू दिया यार, या मुफ्त में इंटरव्यू मिल गया। लाला थैंक यू सो वेरी मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई एक दो चीजें होटल वालों की, ये तो मैं लेके जा सकता हूँ सर, ठीक है, हम साफी हैं, हम तो करेंगे। लाला आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये तोहफा इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा जो लाला ने दिया, और ये तो मैं कहीं नहीं देने वाला। देखते रहिए डेली पाकिस्तान और अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वाओ, आई रियली लव दिस इंटरव्यू, कितनी ज़्यादा तालीम है हमारे मच रिस्पेक्टेड शाहिद अफरीदी सर के पास। और अच्छा लगता है मुझे कि इंडिया से होकर के मेरे को इंटरनेट सोशल मीडिया के थ्रू ही इनसे मिलने को मौका मिला है। सोशल मीडिया को लेकर के भी इन्होंने जो चीज़ें बोली ना, बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ थी और सारी अपनाने लायक थी अपनी खुद की असल ज़िंदगी में। एंड आई फील सैटिस्फाइड राइट नाउ कि मेरे जितने भी किलाया रियाज फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी प्यार बांटने, प्यार फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि नफरत करने वाला अगर इस चैनल का एक मिनट का भी वीडियो देखेगा ना,
तो वो फिर गंदा कमेंट करके भाग जाएगा, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। हम तो यहाँ पे बैठे ही हुए हैं कि दो मुल्कों के बीच में इतना ज्यादा अटूट प्यार डेवलप हो जाए कि कभी टूटे ना ये रिश्ता। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, इंडिया एंड पाकिस्तान। इट साउंड सो गुड एंड इट फील सो गुड। लव एंड पीस टिल इटर्निटी। और शाहिद अफरीदी साहब की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अभी वो सोशल वर्क के अंदर इंडल्ज्ड है, जो कि बहुत जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक मुकाम पर पहुंचने के बाद भूल जाते हैं कि क्या उनको पूरी पब्लिक ने दिया था, और अभी वो वक्त आ गया कि उनको पब्लिक को देना है। खुशनसीबी है ये कि इस्लाम के अंदर ऐसी तालीम मिलती है कि आपको देना ही होगा, दावा करके मैंने सुना है कि आपको देना ही होता है दान। जो इंसान खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको यू हैव टू प्रोवाइड फूड। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे कि आप अपना पेट भर नहीं सकते तब तक अगर आपके पड़ोसी का पेट खाली है। तो कहने का मतलब ये कि आपको हमेशा मिलजुल कर मिल बांट कर खाना है, ना कि बस सेल्फिश होकर के हम खुश रहें हमारा पेट भरा हुआ रहे, सामने वाला भूखा सोए इससे हमें क्या। कोई बहुत ही डिस्टर्ब्ड मेंटालिटी होती है और ग्रीडी मेंटालिटी होती है आई वुड से। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें बचना है यार। दिस बेसिकली इज अ टेस्ट दैट्स गोइंग ऑन दिस लाइफ, और अब हम पे निर्भर करता है कि हमें हलाल और हराम में से किसे चूज करना है। हालांकि इतना इल्म मुझे पहले नहीं था और अभी भी ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत जितना हमने सीखा है वो भी ऊपर वाले की दया से जितना हम सीख पाए हैं। कभी हराम का कमा के खाना नहीं है भाई, आप गलत काम करके कमाएंगे तो हो सकता है आप अभी प्रॉस्परस हो जाएं लाइफ के अंदर, बट बाद में उसका असर कहीं ना कहीं देखने मिलता ही है। आई होप हमारे बूम बूम लाला शाहिद अफरीदी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है आज, और उसे अपन अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तक मेरे साथ बैठे हुए हैं। सफ़र में हम दोनों साथ थे, डेफिनेटली वॉज क्वाइट अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा, फैमिली कम्स फर्स्ट, लाइक सीरियसली मैन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।